आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में और हम कौन से होम्योपैथी मेडिसिन यूज कर सकते हैं डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। अक्सर तो काफी लोगों में देखा गया है कि ये जेनेटिक होता है। अगर आपके दादा दादी के सिर में या मम्मी पापा के सिर में अगर रूसी होती है तो बच्चे के सिर में भी काफी बार हो जाती है। इसके अलावा सिर में ज्यादा पसीना आने से, ज्यादा मानसिक या शारीरिक मेहनत करने से, अगर आप एक्सर्शन ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तब भी आपको डैंड्रफ की तकलीफ होती है। गलत साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल करने से भी अक्सर लोगों को रूसी हो जाती है। सिर में त्वचा का रोग हो जाना, जैसे अगर किसी को हमें लगता है रूसी है मगर हो सकता है उनको हेयर में एक्जिमा हो या उनको सोराइसिस की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा असर दिखाती है डैंड्रफ को ठीक करने में। और हम काफी ऐसे मेडिसिन देखेंगे जो बहुत अच्छे असर करते हैं। अगर आप में पुअर हाइजीन है, आप खाना ठीक से नहीं खाते, अगर आप बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते, बहुत ज्यादा तेल या मसाले वाला खाना खाते हैं, तब भी डैंड्रफ की शिकायत होती है। किसी को फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, इसलिए भी काफी बार डैंड्रफ देखा गया है। कोल्ड सीजन में, ठंडी के मौसम में जो है आपका जो स्कैल्प का स्किन है बहुत ज्यादा रूखा सूखा हो जाता है, जिसके वजह से व्हाइट फ्लेक्स आ जाते हैं, जिसे ही हम डैंड्रफ कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बालों को जो है बहुत ज्यादा अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं या कलरिंग करते हैं, जिसके वजह से डैंड्रफ की शिकायत हो जाती है। किसी पेशेंट को डैंड्रफ के साथ जो है खुजली भी होने लगती है और सर में जो है डैंड्रफ होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, जैसे फोरहेड पर पिंपल्स तक आने लगते हैं और उनका जो फेस का स्किन है वो भी खराब होने लगता है। तो अब हम कुछ मेडिसिन देखेंगे जिससे जो है डैंड्रफ की तकलीफ दूर हो जाती है। पहली मेडिसिन है सैनिक्यूला। अगर सर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, गर्दन के पीछे के भाग में पसीना अगर बहुत आता है, जो सैनिक्यूला के पेशेंट है उनके जो गर्दन के पीछे बहुत ज्यादा पसीना आता है, उनका प्राइम जो है सिम्टम है, अगर ऐसा लक्षण दिखता है तो सैनिक्यूला 30 का यूज कर सकते हैं। मैं जितने भी मेडिसिन बताऊंगी सब आपको पीना है। आधे कप पानी में लगभग 20 बूंद दिन में 3 बार या 2 बार ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी रूसी बहुत ज्यादा है या कम है। नेक्स्ट मेडिसिन है फॉस्फोरस। अगर सर में रूसी होने के साथ बालों में बहुत ज्यादा मात्रा बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ रहा है, बहुत ज्यादा हेयरफॉल की शिकायत है, सर की त्वचा एकदम ड्राई हो गई है आपकी, तो ऐसे में आप फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आप 30% में यूज कीजिए। ये सारी जो दवाइयां या होम्योपैथिक है आप बिना साइड इफेक्ट के बारे में सोचकर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी जो रूसी है वो चली जाएगी। सारी दवाइयों को आपको पीना है, याद रखिए। नेक्स्ट दवा है थूजा। ये बहुत अच्छा असर दिखाती है डैंड्रफ के मामले में। अगर सर में बहुत ज्यादा ही डैंड्रफ है और अगर पूरा सर जो है आपका सफेद हो गया, इतना ज्यादा डैंड्रफ है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी पपड़ियां निकल रही है आपके सर से, तो थूजा जो है बहुत अच्छा असर दिखाती है। ये आपको 30% में आधे कप पानी में लगभग 20 बूंद डालकर लेना है और इससे जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिल जाएगा डैंड्रफ में। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपिया। अगर सर में दाद की तरह, एक रिंगवर्म की तरह, अगर एक पैच की तरह जगह जगह पे रूसी है तो आपको सीपिया यूज करना चाहिए। अगर इसी के साथ आपको बहुत ज्यादा बाल झड़ने का प्रॉब्लम बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हेयरफॉल आता है, तो आप सीपिया का इस्तेमाल करें। याद रखिए कि सीपिया के जो डैंड्रफ की सिम्टम है वह उनको पैच की तरह होगा, पूरा एक रिंगवर्म दाद की तरह होगा। बालों की जड़ में बहुत ज्यादा नाजुक हो जाती है बाल की जड़, और जिसकी वजह से जैसे ही पेशेंट हाथ लगाता है अपने बालों को तो उनके जो पूरे बाल है वो हाथ में आते हैं, बाल इतने टूटने लगते हैं। सर को अगर थोड़ा सा भी आपने रगड़ा उनके सर को तो पेशेंट को एकदम अनबेरेबल पेन होगा, उसे ऐसा लगेगा कि उसके साथ में बहुत दर्द है, उसके सर में बहुत दर्द है, तभी सीपिया बहुत अच्छा असर दिखाती है, मतलब अपने सर को छूने नहीं देंगे। इस तरह के लक्षण के लिए सीपीआर 200% का इस्तेमाल करें। आधे का पानी में लगभग 20 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। सिर में अगर जो डैंड्रफ है वो बहुत बदबूदार है, वेट डैंड्रफ है, एक होता है जब हम अगर सर में डैंड्रफ देखते तो बहुत फ्लेकी रहता है और एक जो रहता है थोड़ा सा नमी रहती है रूसी में, अगर बहुत बदबू आ रही है आपके बालों में से, बहुत डैंड्रफ में से, तो ऐसे में सोराइनम 30 बहुत असरदार होती है। अगर सर में उसी के साथ आपको छोटी छोटी सी फुंसियां है, बॉइल्स है, तो ऐसे में आप सोराइनम 30 का यूज जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपके जो बाल है वो आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि जो बॉइल्स है उसमें से अगर आपको मावा जैसा निकलता है, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपके बालों में अगर गुच्छा बन जाए, बालों का रूखा सूखा हो जाना, ऐसे में आप सोराइनम 30 या 200 का इस्तेमाल जरूर करें। और जैसे ही आप सोराइनम 30 या 200 का इस्तेमाल करने लगेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में जो है आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा स्कैल्प का। लेकिन इसके मेन सिम्टम है कि पहले तो आपको बॉयल्स अगर हो रहे हैं सर में, प्लस उसमें मावा आ रहा है, आपके बाल जो है चिपक रहे हैं, तो ऐसे में बहुत अच्छा असर दिखाती है। और दूसरी बात कि आपका जो सर है और जो डैंड्रफ उसमें से बहुत बदबू सी आती है। नेक्स्ट है एसिड फ्लोर 6CH। अगर सर की त्वचा बहुत ज्यादा रूखी हो, बहुत ज्यादा ड्राई हो, सर में से रूसी कपड़ों पर झड़ती है, इतनी ज्यादा रूसी है, इतना ज्यादा डैंड्रफ है, और उसके वजह से अगर आपको हेयरफॉल हो रहा है, अगर और उसी के साथ जो है स्किन की जो आपकी सर की जो स्किन है अगर वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, जैसे कि अगर आप छू रहे तो भी दर्द हो रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है, तो आप ऐसे फ्लोर 6CH का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा असरदार दवाई है, मगर इसमें इतना ज्यादा डैंड्रफ रहता है कि आपके कपड़ों पे आदि पे गिरने लगते हैं, आपके बॉडी पे जो है रूसी गिरने लगते हैं। नेक्स्ट है मिजेरियम 30। ये बहुत अच्छी दवा है अगेन डैंड्रफ के लिए। अगर सिर पर मोटे मोटे डैंड्रफ होते हैं तो और उसी में अगर पस भी आता है तो आप मिजेरियम 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर सर में बहुत तेज खुजली आती है, रूसी अगर बहुत ज्यादा है, बालों का झड़ जाना अगेन, अगर हेयरफॉल बहुत ज्यादा है, तो मिजेरियम का इस्तेमाल करें। लेकिन मिजेरियम का इस्तेमाल तभी करें जब आपको मावाद फॉर्म होता है, जब आपको पस निकलता है स्काल्प के एरिया से, तब भी आप इसका इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें भी आपके जो है बाल चिपकते हैं। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर कब लेना है? जब अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है और बहुत ज्यादा तेज जो है खुजली हो रही हो, और जैसे ही आप खुजलाते हैं सर को, उसके बाद आपको अगर बहुत ज्यादा जलन होती है, जहां पे आप खुजलाते हैं रूसी निकलती है तो आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, तो ऐसे में जो है आप सल्फर 30 का इस्तेमाल करें। इसे भी आधे कप पानी में लगभग 20 बूंद डालें और इसे 3 बार दिन में लें। नेक्स्ट दवा है नेट्रोम्यूल। अगर सर में बहुत ज्यादा रूसी है, लेकिन नाक से अगर पर्सन का मतलब सेंसेशन ब्लॉक हो, मतलब सर में खुशकी है, डैंड्रफ है, प्लस पर्सन को कुछ भी अगर सूंघने दे दो तो उनको कुछ भी स्मेल समझ में नहीं आता, उनका जो है नाक बंद सा रहता है, तो ऐसे में नेट्रोम्यूल दिया जाता है। अगर पेशेंट को आप देखेंगे तो आपको सर इसको जुकाम हुआ है, अगर ऐसे जो सिम्टम है अगर दिख रहे हैं, तब जाके डैंड्रफ के लिए नेट्रोम्यूल दी जाती है। कभी कभी पेशेंट को सेंसेशन नहीं होती नाक में कि एक्चुअली स्मेल क्या आ रही है, कभी कभी उन्हें जुकाम होता है, बदल बदल कर सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, नेट्रोम्यूल के पेशेंट को, तब दिया जाता है नेट्रोम्यूल। इसे भी आधे कप पानी में लगभग 20 बूंद डाले और दिन में 3 बार इसका सेवन करें। नेक्स्ट है आर्सेनिक एल्बम। अगर किसी व्यक्ति के सिर में बहुत ज्यादा सूखी डैंड्रफ है और वो झड़ती है, तो उसे ये जो है आर्सेनिक एल्बम हर 6 घंटे के बाद देना चाहिए। उससे जो है बहुत जल्दी जो है आपकी ये जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी।
अगर इसी के साथ अगर आपको अर्सेनिक में अगर आपको जो है स्काल्प के अलावा त्वचा कहीं की भी त्वचा में अगर खुश्की है तब भी आप अर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने अर्सेनिक एल्बम यूज किया है डैंड्रफ के लिए, अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बदले आप ग्रेफाइटिस 6 या लाइको 12 या सीपीआर 30 का इस्तेमाल इसके बाद कर सकते हैं। ये सारी जो मेडिसिन है जो मैंने बताया है वो सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको लेना है, ग्रेफाइटिस, लाइको, सीपीआर, और बाकी दवा को कंटिन्यू करना है, अर्सेनिक एल्बम को रेगुलरली लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है सीपीआर। अगर सर की त्वचा में से गीली रूसी झड़ती रहती है, थोड़ी सी वेट डैंड्रफ रहती है, तो सीपीआर 6CH में दे सकते हैं आप, हर 6 घंटे के बाद इसका यूज कर सकते हैं। सल्फर अगेन, सल्फर से मोटी सी रूसी झड़े तो हर 6 घंटे के बाद भी सल्फर आप 30 पोटेंसी में अगर आप दे रहे तो हर 6 घंटे में भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेडियम ब्रोमाइड 30। अगर रोगी के सर में जो डैंड्रफ है वो बहुत ज्यादा खुजली होती है उन्हें, तो उसे सप्ताह में एक बार रेडियम ब्रोम आप दे सकते हैं, चाहे आप 3CH के पोटेंसी में दे सकते हैं, 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। नेक्स्ट है एसिड फ्लोरिक एसिड। सर में सूखी रूसी होने के साथ अगर बहुत ज्यादा बाल झड़ रहा है, पेशेंट बहुत वीक फील करता है, तो आप इसे दे सकते हैं, 3CH पोटेंसी में भी दे सकते हैं, और आप 4 घंटे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन आर्सेनिक एल्बम। कमजोर शरीर के अगर रोगी है जिनके सिर पर रूसी होने पर आर्सेनिक एल्बम 3CH में दे सकते हैं, या हर 4 घंटे पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ओलियंडर। अगर रोगी के सर में बहुत तेज खुजली हो, जो बर्दाश्त ना हो, सर में खुजली वाले छोटे छोटे से दाने निकलने लगे, रूसी झड़ने लगे, सर में इतनी तेज खुजली हो कि रोगी की खाल तक उतर जाए, मतलब स्किन भी निकल जाए, इतनी तेज खुजलाते हैं वो पेशेंट की उनकी जो स्किन रहती है स्काल्प की वो भी निकल जाए, तो आप ओलियंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर में जो है गीली खुजली होना जैसे लक्षण के लिए आप ओलियंडर 3CH में भी यूज कर सकते हैं, 30CH में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रेफाइटिस। अगर सर में सूखी सी पपड़ी जम जाए, बहुत ज्यादा आपको खुजली होती है, साथ में आपका बाल भी बहुत झड़ता है, प्लस आपका जो स्किन है वो बहुत ड्राई रहता है, क्रैक रहता है, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिए। 6CH को आप हर 6 घंटे के बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजेरियम मैंने बताया था, अगर बहुत ज्यादा बाल गिर रहा है, साथ ही खुजली आ रही है, और साथ ही अगर आपको पस निकल रहा है तो आप स्काल्प में से, तो आप हर 4 घंटे के बाद भी इसे यूज कर सकते हैं, मगर 3CH पोटेंसी में। नेक्स्ट है बैसिलिनम। अगर सर में रूसी मतलब डैंड्रफ होने से, या कहीं भी अगर आपको डैंड्रफ ड्राई स्किन है, तो आप ओवरऑल बैसिलिनम 200 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप जो है ले सकते हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी स्किन जो है वो रिपेयर होगी। बैसिलिनम एक बहुत ही अच्छी दवा है। नेक्स्ट है अगर आपको कुछ बैसिलिनम जो है ये आपको हफ्ते में एक बार ही लेना है, ज्यादा इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। 200 पोटेंसी का एक डोज लेना, आपने वेट करना एक हफ्ते तक, फिर से आप दूसरी डोज एक हफ्ते बाद लेना, जब तक कि आपकी रूसी कम होती है तब तक आपको लेना नहीं है। जैसे आपको लगे कि रूसी फिर से आ रही है, फिर से आप इसका एक डोज लेकर फिर रुक जाइए।